प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और गांधीनगर के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे आंध्र प्रदेश के भीमावरम पहुंचेंगे पीएम। फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीतारामा राजू की 125वीं जयंती पर पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे। डिजिटल इंडिया वीक 2022 कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। आज महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे के लिए बड़े इम्तिहान का दिन। एकनाथ शिंदे को आज अपना बहुमत करना है साबित। महाराष्ट्र विधानसभा में सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। शिंदे की सेना अगली चुनौती के लिए तैयार। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, फ्लोर टेस्ट में हमें 166 वोट मिलेंगे। एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता और भरत गोगावले को मुख्य सचेतक चीफ व्हिप के तौर पर विधानसभा ने मान्यता दी। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा। बीजेपी और शिंदे गुट की हुई बैठक, निर्दलीय विधायक भी बैठक में रहे मौजूद। बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक आज शाम को 7 बजे, पोर्टफोलियो पर एकनाथ शिंदे गुट से चर्चा होगी। देवेंद्र फडणवीस के आवास पर हो सकती है बैठक, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक में रहेंगे मौजूद। उद्धव गुट के विधायकों की मुश्किलें बढ़ी, शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने ठाकरे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने व्हिप उल्लंघन को लेकर बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर नार्वेकर के पास याचिका दायर की। छगन भुजबल ने राज्य में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश की, कहा कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई, सरकार को मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा। शरद पवार ने एनसीपी नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की, मिड टर्म पोल के लिए तैयारी शुरू करने के आदेश जारी किए। शरद पवार ने नेताओं से कहा कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार 6 से 8 महीने ही चलेगी, उसके बाद मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा अगर देवेंद्र फडणवीस 2.5-2.5 साल वाला फॉर्मूला मान जाते तो आज ये नौबत नहीं आती। बागी विधायकों पर बोले आदित्य ठाकरे, सदन में बागियों की मुझसे नजर से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। संजय राउत ने ट्वीट कर बागी विधायकों पर तंज कसा, शतरंज में वजीर, जिंदगी में जमीर मर जाए तो समझो खेल खत्म, हम बचेंगे भी और लड़ेंगे भी। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, बीजेपी ने लोकतंत्र को बिकाऊ बना दिया। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा अमित शाह की एक ही सियासी चाल से हम विपक्ष बन गए। राहुल नार्वेकर के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, ढोल ताशे, तिरंगी महिला कार्यकर्ता। वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और रईस शेख रहे तटस्थ, बहुजन विकास अघाड़ी और एमएनएस ने बीजेपी को किया वोट। अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे से नाराजगी की बताई वजह, कहा कि विधानसभा में फिर उन लोगों ने खुद को बाबरी मस्जिद गिराने वाला शिवसैनिक बताया। औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर नाराज अबू आजमी, कहा बीजेपी और उद्धव के बाद अब शिंदे सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम शिंदे का बयान, कहा कि मेरे साथ कई मंत्रियों ने छोड़ी है एमवीए सरकार। विधानसभा में बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा सीएम शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की आकांक्षाओं को करेंगे पूरा। महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोले के मर्डर के बाद तनाव, आज अमरावती के राजकमल चौक पर श्रद्धांजलि सभा का होगा आयोजन। अमरावती हत्याकांड में एनआईए ने आरोपियों पर दर्ज किया केस, कमिटिंग एक्ट ऑफ टेरर के तहत मामला दर्ज। उमेश कोले हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता इरफान की अमरावती जिला कोर्ट में पेशी, 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। कोले परिवार के करीबी यूसुफ खान ने रची उमेश के मर्डर की साजिश, हत्या से पहले दुकान से घर तक की गई रेकी। उमेश कोले के घर वालों से मिले नवनीत राणा, परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिया। अमरावती हत्याकांड पर नवनीत राणा का पुलिस पर आरोप, मर्डर के केस को चोरी का केस बताया गया। नवनीत राणा ने पुलिस कमिश्नर की भी जांच कराने की मांग की, उमेश कोले हत्याकांड को दबाने का आरोप लगाया। उमेश कोले हत्याकांड पर बोले कांग्रेस नेता अशोक चौहान, मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमरावती में कानून व्यवस्था की स्थिति पर पुलिस अधिकारियों की हाई लेवल बैठक, आईजी के नेतृत्व में मीटिंग हुई। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, बिना शांति और एकता के देश आगे नहीं बढ़ेगा। उदयपुर समेत पूरे राजस्थान में कन्हैयालाल के मर्डर के बाद आक्रोश, हालात को देखते हुए पुलिस सतर्क। आज उदयपुर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दी जाएगी, इंटरनेट सर्विस फिलहाल सस्पेंड रहेगी। आज राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर दौरे पर जाएंगी, कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात करेंगी। कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में हरिद्वार में संतों ने निकाली शांति यात्रा, शांति मार्च जिसे दिया गया नाम, आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की। जयपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी से मांगा जवाब, कन्हैया लाल के हत्यारों से संबंध है या नहीं स्पष्ट करें कहा। उदयपुर के एडिशनल डीजीपी की जनता से शांति बनाए रखने की अपील, कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कानपुर में हुई हिंसा में फंडिंग के मामले में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा का डिफेंस कॉलोनी में आउटलेट सील किया गया। पिछले हफ्ते एसडीएम और फूड विभाग की टीम ने बाबा बिरयानी आउटलेट के लिए थे नमूने, जांच में नमूने फेल होने के बाद एक्शन लिया। योगी आज करेंगे कैबिनेट बैठक, मंत्रियों के 100 दिन के काम की रिपोर्ट कार्ड की भी करेंगे समीक्षा।
मदरसा बोर्ड में सुधार के लिए योगी सरकार आज मदरसा ई लर्निंग ऐप लॉन्च करेगी। दोपहर 12 बजे होगा लॉन्चिंग कार्यक्रम। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले की सुनवाई आज से होगी शुरू। 5 महिलाओं के श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील का बयान, कहा वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य, मुस्लिम पक्ष याचिका खारिज करने पर दे रहा है जोर। ओवैसी के गढ़ तेलंगाना में पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा कि तेलंगाना की जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र से तेलंगाना का होगा विकास। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने वंशवाद पर किया प्रहार, कहा कि भारतीय राजनीति में अब वंशवाद नहीं चलेगा, वंशवाद का समय खत्म हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना और बंगाल में भी परिवारवाद को हराएंगे। अमित शाह को है भरोसा अगले 30 से 40 साल बीजेपी का युग होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने गुजरात दंगे की जांच में एजेंसियों का सहयोग किया, विपक्षी दल तो हंगामा मचाने लगते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिया भरोसा, 2024 तक सारी समस्याएं हल कर दी जाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केसीआर सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य को 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा हुई, असम के सीएम का बयान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तेलंगाना सरकार को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया, कहा यहां के लोग अब बदलाव चाहते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि तेलंगाना को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया है, टीआरएस सरकार ने उनके सपनों को तोड़ा। पीएम की स्नेह यात्रा निकालने की सलाह पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, इससे समाज में सद्भाव बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का सीएम केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा आरोप, कहा कि दोनों तेलंगाना को लूट रहे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा मोदी सरकार सिर्फ कांग्रेस नहीं विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। कपिल सिब्बल का मोदी सरकार पर आरोप, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से होगा शुरू, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज पंजाब सरकार का होगा विस्तार, 5 से 6 नए मंत्री कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। कमलनाथ का सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज, कहा शिवराज सिंह चौहान केवल टेलीविजन समझते हैं, विजन नहीं समझते। सीएम शिवराज ने गुंडे बदमाशों को चिताया, गरीबों को सताया तो घरों पर चलेगा बुलडोजर। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप, इनके शासन में देश का मान सम्मान और इज्जत गिरी। शिवराज सिंह चौहान ने देश में बढ़ते आतंकवाद के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया, कहा कि हम आतंकवाद को कुचल कर रख देंगे। दिग्विजय सिंह ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ कांग्रेस में बुराई दिखी बीजेपी में नहीं। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस विधायकों का समर्थन मांगा। आज रांची जाएंगे एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, विधायकों से मिलकर अपने लिए मांगेंगी समर्थन। रावड़ी आवाज में सीढ़ियों से फिसले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, दाहिना कंधा टूटा। खाद्य और पोषण सुरक्षा पर 5 जुलाई को होगा राष्ट्रीय सम्मेलन, पीडीएस सिस्टम में बदलाव समेत कई मुद्दों पर इस सम्मेलन में होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 और शाहदरा में तैनात डॉक्टर को किया सस्पेंड, एक ही कंपनी की दवा लिखने पर कार्रवाई हुई। केरल के नीलांबुर में राहुल गांधी का कार्यक्रम, गलामोरा कन्वेंशन सेंटर में कई लाभार्थियों को सौंपी घरों की चाबियां। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB परदीवाला ने जताई चिंता, कहा कि जजों पर पर्सनल अटैक करना खतरनाक। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कोविड के बाद की अवधि में हवाई किराए में बढ़ोतरी का विरोध किया। केरल गोल्ड स्मगलिंग केस के आरोपी स्वप्ना सुरेश को मिल रहे हैं धमकी भरे कॉल, सीएम समेत कई लोगों का नाम नहीं लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अहमदाबाद में बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, 27 साल से बीजेपी के शासन में गुजरात की जनता त्रस्त है, हमारी पार्टी का बढ़ रहा है जनाधार। गुजरात के लोगों से सीएम केजरीवाल की अपील, आने वाले चुनाव में कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद न करें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज तिरुपति मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजा पाठ। बैकुंठपुर के आदिवासी समाज सम्मेलन में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल, आदिवासी समाज भवन के लिए दिया 50 लाख, ट्रांजिट छात्रावास बनाने का भी ऐलान। श्रीनगर में डल लेक के पास आमी ने एक एनजीओ के साथ मिलकर लगाया फ्री मेडिकल कैंप, 8 डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया। अमरनाथ यात्रा में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही है ITBP, 2 जुलाई तक 50 श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन दी गई। जम्मू कश्मीर के LG ने अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की, कहा अब तक की सबसे बढ़िया व्यवस्था है। बेंगलुरु में नगर निगम के कर्मचारियों का आरोप, 18,000 सैलरी का दावा होता है लेकिन हाथ में 12,000 ही आते हैं। नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा PF का पैसा कहां जाता है हमें पता ही नहीं है, सुनवाई नहीं होने तक प्रदर्शन करते रहेंगे। पूर्व विधायक PC जॉर्ज की पत्नी का केरल के CM पर आरोप, कहा कि यौन उत्पीड़न के झूठे केस में मेरे पति को फंसाया। यौन उत्पीड़न मामले में लगातार 7वें दिन पुलिस के सामने पेश हुए एक्टर प्रोड्यूसर विजय बाबू। अवैध निर्माण पर पटना जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नेपाली नगर में बने अवैध 70 मकानों पर चला बुलडोजर। बुलडोजर देख घरों से खुद सामान निकालते नजर आए लोग, अवैध जमीन पर लोगों ने बनाए हैं अपने घर।
अवैध कब्जा हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, पटना के सिटी एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। जम्मू कश्मीर के रियासी में लश्कर के दो आतंकवादी पकड़े गए, फैजल अहमद डार और तालिब हुसैन के रूप में हुई दोनों की पहचान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ऐलान, दोनों आतंकियों को पकड़ने वाले ग्रामीणों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जम्मू जोन के एडीजीपी का बयान, कुछ दिनों से लश्कर के आतंकी चिनाब घाटी और राजौरी पुंछ में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। यूके में एक दर्जन से ज्यादा टेररिस्ट लॉन्च पैड मौजूद हैं और एक्टिव हैं, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ। अनंतनाग के बिजभेरा इलाके में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी को लगी गोली, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आर्मी के जवानों ने एक शख्स को रेस्क्यू किया, चिनाब नदी के पार खेत में काम करते हुए घायल हो गया था शख्स। नागालैंड के दीमापुर में कटिहार के 4 मजदूरों की मौत हुई, सीएम नीतीश कुमार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। हरिद्वार में सतनाम घाट पर नहाते समय तेज बहाव में बह गया एक युवक, वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने बचाया। 200 करोड़ की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर मामले में जेल का नर्सिंग स्टाफ गिरफ्तार किया गया, जेल से बाहर भिजवाता था सुकेश का कागजात। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि कोयले की कमी से कई ट्रेनें रद्द हुई हैं, केंद्र अब भी कोयले की मांग को पूरा करने में असमर्थ। मणिपुर में भूस्खलन में भिलाई के रहने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे शहीद हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया। असम के बारपेटा में बाढ़ से भारी तबाही, 200 से ज्यादा परिवार बेघर, 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। एकनाथ शिंदे सरकार के फैसले के विरोध में मुंबई कर आरे जंगल में मेट्रो कार शेड बनाने का किया विरोध। आरे मेट्रो कार शेड को फडणवीस ने भीड़ से निजात दिलाने के लिए जरूरी बताया, कहा कि जितनी देरी होगी गलत और लागत बढ़ती जाएगी। एनएससी स्कैम में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को भेजा समन, 5 जुलाई को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया। मुंबई में निकाली गई जगन्नाथ यात्रा, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने रास्ते की सफाई की, कहा कि भगवान जगन्नाथ के सामने सब एक समान। दिल्ली के पांडव नगर में 20 साल के युवक की रोड रेज विवाद में हत्या, स्कूटी टच होने पर अज्ञात युवक से हुआ था उसका विवाद। आरोपी ने नुकीले चीज से युवक के सीने पर हमला किया, LBS हॉस्पिटल ले जाते वक्त मौत हुई, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में कुत्ते के भौंकने से नाराज पड़ोसी की करतूत, 3 लोगों पर लोहे की रॉड से किया हमला और 3 घायल अस्पताल में भर्ती, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, पश्चिम विहार थाने में पीड़ित ने की शिकायत। मध्य प्रदेश के गुना में खेत में जली हालत में मिली महिला, गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया, जमीन विवाद में गांव के 3 लोगों पर जलाने का आरोप। एमपी के मंदसौर में टीआरआई पर लुटेरों ने चाकू से हमला किया, डकैती के मामले में आरोपियों को पकड़ने गई थी पुलिस, आरोपी की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 6 गैंगस्टर्स के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, 9,61,00,000 की संपत्ति कुर्क की गई। लुधियाना ड्रग्स केस में फरार 3रा आरोपी गिरफ्तार, जम्मू कश्मीर के बारामूला से हुई गिरफ्तारी, 9 किलो 400 ग्राम आइस ड्रग्स और बरामद। अयोध्या के पंकज शुक्ला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई गुल्लू मिश्रा को किया गिरफ्तार। मेरठ में यश रस्तोगी नाम के युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 घायल, मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। कोलकाता से दुर्गा मूर्तियां विदेश जाने के लिए तैयार, यूएस, दुबई, कतर, जापान, मैनचेस्टर और कोलंबिया से मिला ऑर्डर। कर्नाटक की सिनी शेट्टी बनी मिस इंडिया 2022, राजस्थान की रुबेल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही। देश में कोरोना के 16,103 नए पॉजिटिव केस, 31 लोगों ने गवाए जान। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,962 नए मामले, एक्टिव केस की संख्या 22,485। तमिलनाडु में कोरोना के 2,672 नए केस सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 1,487 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के 648 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। मिजोरम में कोविड के 48 नए केस आए सामने, बीते 24 घंटे में एक शख्स की मौत। पायलटों की कमी के चलते देश भर में इंडिगो उड़ानों में हुई देरी, DGCA ने मांगा जवाब। डेनमार्क के एक मॉल में अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, फायरिंग डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुई। मॉल में अचानक फायरिंग के बाद मची भगदड़, चारों तरफ से लोगों की चीखें सुनाई दी। रूस का लुहांस्क प्रांत कई शहरों पर कब्जा, रूस के रक्षा मंत्री का बयान आया सामने। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के बेलग्रोड पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया, 3 नागरिकों की मौत, 2 लापता। यूक्रेन की सेना का बयान, फौज ने लिसीचनस्क शहर में रूसी फौज को दिया मुंह तोड़ जवाब। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में भारी बारिश से हाल बेहाल, सिडनी को खाली करने का आदेश दिया। चीन के ग्वांगडोंग में चक्रवाती तूफान चाबा की दस्तक, तेज हवा में उड़े पेड़, सड़कों पर भरा पानी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश के चलते एक बस पहाड़ी से नीचे गिरी, 19 लोगों की मौत। इस्लामाबाद में पूर्व पीएम इमरान खान की रैली, पंजाब में उपचुनाव में धांधली होने की जताई आशंका, शाहबाज सरकार में शामिल पार्टियों को कहा चोर। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सुजो शहर में नियम और सख्त लॉकडाउन लगाया गया। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में टीम इंडिया की स्थिति बेहद मजबूत, टीम इंडिया के पास 257 रनों की लीड। पहली पारी में भारत ने 416 रन बनाए थे, दूसरी पारी में भारत ने 3 विकेट खोकर 125 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33वां अर्धशतक जड़ा। दूसरी पारी में भी विराट कोहली का फ्लॉप शो रहा, विराट कोहली 20 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, 7 जुलाई को पहला T20 खेलने के लिए तैयार। महिला हॉकी विश्व कप के मुकाबले में भारत बनाम इंग्लैंड का मैच 1-1 से ड्रॉ।
यूपी पुलिस के जवान की दरिया दिली, नंगे पांव गाड़ी चला रहे शख्स को दी नई चप्पलें, हर कोई कर रहा है तारीफ। गिटार की धुन पर आईटीबीपी के जवान ने गाया राहत फतेह अली का गाना, आवाज ने जीता दिल, आईटीबीपी ने ट्विटर पर शेयर किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने चुनाब नदी से युवक का रेस्क्यू किया, हादसे में युवक के दोनों पैरों में लगी थी गंभीर चोटें। सेना के जवानों ने भूस्खलन से बहे पुल का भी निर्माण किया, रात भर काम करके रिकॉर्ड समय में पूरा किया, अमरनाथ यात्रियों को परेशानी से बचाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।